सेवा जोहार सगमूल नन्ना बस्तरिया वट्टी दादी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें खास बात यह है कि इस वीडियो में भी कोई एक मूल क्रिया को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं इस बारे में सीखेंगे। यहाँ देखिए क्रिया का भाग 12वां वीडियो, यहाँ पर गा को गोंडी में वारा, यह क्रिया के मूल रूप हैं। गाना को गोंडी में वाराना, यह क्रिया के साधारण रूप है। यहाँ पर हम गा मीन्स वारा को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं इस बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। साथियों, मेरे चैनल के आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए गाता हूँ या गाती हूँ का गोंडी होगा वार तोना या वार तना या वारला तोना, यह एक वचन मेल एवं फीमेल के लिए। मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ का गोंडी होगा नन्ना वार तोना। गाते हैं का गोंडी होगा वार तुमा, वार तुरुम, वारला तुरुम, वारला तुराट, यह बहुवचन मेल एवं फीमेल के प्रयोग किया जाता है। हम गाते हैं का गोंडी होगा ममोट वार तुमा या ममोट वार तुरुम। गाता है या गाती है का गोंडी होगा वारती या वार तुनी या वारला तुनी, यह एक वचन मेल एवं फीमेल के लिए। तू गाता है या तू गाती है का गोंडी होगा निमा वारती या निमा वारतुनी। गाते हो का गोंडी होगा वारतीठ या वारतुरीठ या वारला तुरीठ, यह बहुवचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम लोग गाते हो का गोंडी होगा निमाट वारतीठ या निमाट वारतुरीठ। गाता है का गोंडी होगा वारतोर या वारला तोर, यह एक वचन मेल के लिए जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग करते हैं। वह गाता है का गोंडी होगा और वारतोर। गाते हैं का गोंडी होगा वारतोर या वारतोर या वारला तोर, यह बहुवचन मेल के लिए जब कोई दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाते हैं का गोंडी होगा ओर्क वारतोर्क, ओर्क वारला तोर्क। गाती है का गोंडी होगा वार्ता या वारलता, यह एक वचन फीमेल दूर एवं पास में हो तब के लिए। वह गाती है का गोंडी होगा अध वारलता। गाती हैं का गोंडी होगा वार्ता वारतांग वारलतांग वारलतांग, यह बहुवचन फीमेल के लिए जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाती हैं का गोंडी होगा औक वार्ता या औक वारतांग, वारलतांग वारलतांग, इस तरह से गोंडी में बोला जाता है। आप भी इन्हें याद करिए और प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाते जाइए। यहाँ पर गाया या गाई का गोंडी होगा वारतान या वार्ता या वारतोना, यह एक वचन मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं गाया या मैं गाई का गोंडी होगा नन्ना वारतान या नन्ना वार्ता या नन्ना वारतोना। गाए का गोंडी होगा वारतुमा या वारतुरुम या वारतुराट। हम गाए का गोंडी होगा ममोट वारतुमा या वारतुरुम या वारतुराट, यह बहुवचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। गाया या गाई का गोंडी होगा वारती या वारतीन या वारतुनी, यह एक वचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तू गाया या तू गाई का गोंडी होगा निमा वारती या निमा वारतीन। गाए का गोंडी होगा वारतीठ या वारतुरीठ,
यह बहुवचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम लोग गाये का गोंडी होगा निमाट वार्तिट या निमाट वार्तुरिट, गाया का गोंडी होगा वार्तुर या वार्तोर। यह एक वचन मेल दूर एवं पास के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गाया का गोंडी होगा और वार्तुर या और वार्तुर, गाये का गोंडी होगा वार्तुर या वार्तुर्क या वार्तोर्क या वार्तोर्क। यह बहुवचन मेल जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाये का गोंडी होगा ओर्क वार्तुर या ओर्क वार्तुर्क, गाई का गोंडी होगा वार्ता या वार्तु या वार्थ। यह एक वचन फीमेल जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गाई का गोंडी होगा अध वार्ता, गाई का गोंडी होगा वार्ता या वार्तांग या वार्तु या वार्तुं। वे गाई का गोंडी होगा औक वार्ता या औक वार्तांग या औक वार्तु या औक वार्तुंग। यहाँ पर गाया था या गाई थी का गोंडी होगा वार लेना। यह एक वचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं गाया था या मैं गाई थी का गोंडी नन्ना वार लेना, गाए थे का गोंडी होगा वार लेमा। यह बहुवचन मेल एवं फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। हम गाए थे का गोंडी होगा ममोट वार लेमा, गाया था या गाई थी का गोंडी होगा वार लेन। यह एक वचन मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तू गाया था या तू गाई थी का गोंडी होगा निमा वार लेन, गाए थे का गोंडी होगा वार लेरिट या वार लेरिर। यह बहुवचन मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम लोग गाए थे का गोंडी होगा निमाट वार लेरिट या वार लेरिर, गाया था का गोंडी होगा वार लेर या वार ले। यह एक वचन मेल के लिए जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गाया था का गोंडी होगा और वार लेर या वार लेर, गाए थे का गोंडी होगा वार लेर्क या वार लेर्क। यह बहुवचन मेल के लिए जब पास एवं दूर में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाए थे का गोंडी होगा ओर्क वार लेर्क या ओर्क वार लेर्क, गाई थी का गोंडी होगा वारले। यह एक वचन फीमेल जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गाई थी का गोंडी होगा इद वारले, गाई थी का गोंडी होगा वारले या वारलेंग। यह बहुवचन फीमेल दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाई थी का गोंडी होगा औक वारले या औक वार लेंग। इस तरह से शब्द बनाकर वाक्य बनाते जाइए और उसे अपनी व्यवहारिक जीवन में लाते जाइए। साथियों यहाँ देखिए, गाऊंगा या गाऊंगी का गोंडी होगा वार का। यह एक वचन मेल और फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं गाऊंगा या मैं गाऊंगी का गोंडी होगा नन्ना वार का, गाएंगे का गोंडी होगा वार को या वार काट। यह बहुवचन मेल और फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। हम गाएंगे का गोंडी होगा ममोट वार कोम या ममोट वार काट, गाएगा या गाएगी का गोंडी होगा वार की। यह एक वचन मेल और फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तू गाएगा या तू गाएगी का गोंडी होगा निमा वार की, गाओगे का गोंडी होगा वार किट या वार किर। यह बहुवचन मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम लोग गाओगे का गोंडी होगा निमाट वार किट या वार किर, गाएगा का गोंडी होगा वारानूर। यह एक वचन मेल के लिए जब पास एवं दूर में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गाएगा का गोंडी होगा और वारानूर, गाएंगे का गोंडी होगा वारानूर या वारानूर्क। यह बहुवचन मेल के लिए जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाएंगे का गोंडी होगा ओर्क वारानूर या ओर्क वारानूर्क, गाएगी का गोंडी होगा वारार। यह एक वचन फीमेल जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है।
वह गाएगी का गुंडी होगा अद वारार, गाएंगी का गुंडी होगा वारानु या वारानु। यह बहुवचन फीमेल जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग किया जाता है। वे गाएंगी का गुंडी होगा औक वारानु या औक वारानु। इस तरह से वाक्य बनाते जाइए। इस वीडियो को और सरल बनाना है तो सर्वनाम से संबंधित 14 वीडियो एवं टेंस से संबंधित 4 वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, उन्हें देख लीजिए, फिर यह वीडियो बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ देखिए, नहीं गाया का गोंडी होगा वारवी, तू नहीं गाया का गोंडी होगा निमा वारवी, नहीं गाए का गोंडी होगा वारविट या वारवीर, तुम लोग नहीं गाए का गोंडी होगा निमाट वारविट या वारवीर, मत गा का गोंडी होगा वारमा, तू मत गा का गोंडी होगा निमा वारमा, मत गाइए का गोंडी होगा वारमाट, तुम लोग मत गाइए का गोंडी होगा निमाट वारमाट, गा रहा है या गा रहे हो का गोंडी होगा वारतून, तू गा रहा है या तुम गा रहे हो का गोंडी होगा निमा वारतून, गाइए का गोंडी होगा वाराट, सब लोग गाइए का गोंडी होगा सबोय वाराट, गा रहा था का गोंडी होगा वारसोर मत्तुना, मैं गा रहा था का गोंडी होगा नन्ना वारसोर मत्तुना, गा रहे हो का गोंडी होगा वारतोरिट या वारतोरिर, तुम लोग गा रहे हो का गोंडी होगा निमाट वारतोरिट या वारतोरिर। साथियों, अगर गोंडी सीखना है तो बोलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, यही असली मूल मंत्र है। यहाँ देखिए, गा चुका था का गोंडी होगा वार्स या वारसी मत्तुना, मैं गा चुका था का गोंडी होगा नन्ना वार्स या वारसी मत्तुना, गा रहा हूँ का गोंडी होगा वारला तूना, मैं गा रहा हूँ का गोंडी होगा नन्ना वारला तूना, गाने दो का गोंडी होगा वारा हिम या वारला हिम, मुझे गाने दो का गोंडी होगा नाकुन वारा हिम या वारला हिम, गाने दीजिए या गाने दो का गोंडी होगा वारा हिम्ट या वारला हिम्ट, हमको गाने दीजिए का गोंडी होगा माकुन वारा हिम या माकुन वारला हिम्ट, गाते रहता है का गोंडी होगा वारसोर मंतोर, वह गाते रहता है का गोंडी होगा और वारसोर मंतोर, गाते रहते हैं का गोंडी होगा वारसोर मंतोर या वारसोर मंतोर, वे गाते रहते हैं का गोंडी होगा ओर्क वारसोर मंतोर या ओर्क वारसोर मंतोर, गाता हूँ या गा चुका हूँ का गोंडी होगा वारतुना, मैं गाता हूँ या गा चुका हूँ का गोंडी होगा नन्ना वारतुना, गाया था का गोंडी होगा वारतोर, वह गाया था का गोंडी होगा और वारतोर। यहाँ देखिए, गाने लगा का गोंडी होगा वारला आतुर, वह गाने लगा का गोंडी होगा और वारला आतुर, गाने लगी का गोंडी होगा वारला आता, वह गाने लगी का गोंडी होगा अद वारला आता, गाने लगे का गोंडी होगा वारला आतुर्ख या वारला आतुर, वे गाने लगे का गोंडी होगा ओर्ख वारला आतुर्ख या वारला आतुर, गाने लगी का गोंडी होगा वारला आतुंग या वारला आतंग, वे गाने लगी का गोंडी होगा औक वारला आतुंग या औक वारला आतंग, गा रही है का गोंडी होगा वारलता, वह गा रही है का गोंडी होगा अदवारलता, गाने वाला था का गोंडी होगा वार्स मनेना, मैं गाने वाला था का गोंडी होगा नन्ना वारसी मनेना या वार्स मनेना, गाने नहीं दिया का गोंडी होगा वारला हेओर, मुझे गाने नहीं दिया का गोंडी होगा नाकुन वारला हेओर, गाने नहीं दी का गोंडी होगा वारला हेओ,
मुझे गाने नहीं दी का गोंडी होगा नाकुन वारला हेओ। साथियों वाक्यों को ध्यान दिया करिए तो आसानी से समझ आते जाएगा। यहाँ देखिए गाने गया का गोंडी होगा वारला हत्तूर, वह गाने गया का गोंडी होगा और वारला हत्तूर, गा रहा है का गोंडी होगा वारला तोर, वह गा रहा है का गोंडी होगा और वारला तोर, गा चुका था का गोंडी होगा वार्स या वार्षिक मत्तूर, वह गा चुका था का गोंडी होगा और वार्षिक मत्तूर, गा चुकी थी का गोंडी होगा वार्स या वार्षिक मत्ता, वह गा चुकी थी का गोंडी होगा अध वार्स या वार्षिक मत्ता, गाने जाऊंगा का गोंडी होगा वारला दाका, मैं गाने जाऊंगा का गोंडी होगा नन्ना वारला दाका, गाने आए थे का गोंडी होगा वारला वालेर या वारला वालेर, वे गाने आए थे का गोंडी होगा ओर्क वारला वालेर या ओर्क वारला वालेर, गाने आई थी का गोंडी होगा वारला वाले, वह गाने आई थी का गोंडी होगा अद वारला वाले, गाने आई थी का गोंडी होगा वारला वाले या वारला वालेंग, वे गाने आई थी का गोंडी होगा औक वारला वाले या औक वारला वालेंग। यहाँ देखिए गा के गया का गोंडी होगा वारसी या वार्स हत्तूर, वह गा के गया का गोंडी होगा और वारसी हत्तूर, गा के गई का गोंडी होगा वारसी या वार्स हत, वह गा के गई का गोंडी होगा अद वारसी हत, गा के गए का गोंडी होगा वारसी हत्तूर या हत्तूर, वे गा के गए का गोंडी होगा ओर्क वारसी हत्तूर, गा के गई का गोंडी होगा वारसी हत्तुंग या वारसी हत्तुंग, वे गा के गई का गोंडी होगा औक वारसी हत्तुंग या औक वारसी हत्तुंग, नहीं गाया का गोंडी होगा वारोर, वहाँ नहीं गाया का गोंडी होगा ओन वारोर, नहीं गाई का गोंडी होगा वारो, वहाँ नहीं गाई का गोंडी होगा अद वारो, नहीं गाए का गोंडी होगा वारो या वारोर, वे नहीं गाए का गोंडी होगा ओर्क वारोर या वारोर, नहीं गाई का गोंडी होगा वारों या वारों, ये नहीं गाई का गोंडी होगा इवक वारों या इवक वारों। इन्हें याद करिए और प्रैक्टिस करते जाइए। साथियों यहाँ देखिए यहाँ पर क्रिया के मूल रूप एवं क्रिया के साधारण रूप के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्रिया के मूल रूप सुन को गोंडी में केंजा और क्रिया के साधारण रूप सुनना को गोंडी में केंजाना, झुक को गोंडी में मूर्छा, झुकना को गोंडी में मूर्छाना, स्पर्श कर को गोंडी में इट्टा, स्पर्श करना को गोंडी में इट्टाना, चल को गोंडी में ताका, चलना को गोंडी में ताकाना, ठग को गोंडी में नाढ़े किम या नाढ़े किया, ठगना को गोंडी में नाढ़े कियाना, डपक को गोंडी में वहचा, डपकना को गोंडी में वहचाना, देख को गोंडी में हुरा या हुरा, देखना को गोंडी में हुराना या हुराना, धमका का गोंडी में वरहा, धमकाना का गोंडी में वरहाना, निकाल का गोंडी में टंडा या तंडा, निकालना का गोंडी में टंडाना या तंडाना, हंस का गोंडी में कौवा और हंसना का गोंडी में कौवाना। साथियों यहाँ पर एक मूल क्रिया को कितने तरीके से बोला जाता है इस बारे में आज के वीडियो में बताया गया है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लगभग 80% शब्द बनाकर बताया गया है। इतना ही याद कर लिए तो गोंडी भाषा में क्रांति आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस में कंजूसी मत करिए। साथियों यहाँ पर इसी तरह के मूल क्रियाएँ हैं जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, उन्हें इस सूत्र में सेम टू सेम फिट करते जाइए। आज के वीडियो में सब समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को पुनः बारंबार देखते जाइए, निश्चित ही समझ आएगा। वीडियो पसंद
आया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक करने के साथ कमेंट लिखकर मुझे सूचित करें एवं इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं सोशल मीडिया में खूब शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा लेने दें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए बस्तरिया वट्टी दादी की ओर से आप सभी को वल्लेंड वल्लेंड, जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा, सेवा मान।